हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डुप्लीकेट डिस्प्ले को और एक ओरिजिनल पैनल को। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरे पास आईफोन 13 प्रो मॉडल और ये है मेरे पास आईफोन XR मॉडल। और यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आईफोन XR का जो पैनल है डुप्लीकेट है और आईफोन 13 प्रो का ओरिजिनल है। और यहाँ पर आपको मैं डिफरेंस दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स मेरे सामने iOS 16 पर हैं और एप्पल का जो आईफोन 13 प्रो का पैनल है वो OLED पैनल है और आईफोन XR एक IPS पैनल है। यहाँ पर OLED पैनल XR में नहीं देखने को मिलता है। सो चलो गाइस, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशिएट करवाऊँगा कि अगर आपको सेकेंड हैंड आईफोन परचेज़ करना है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आईफोन की डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। सो सबसे पहले कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि आईफोन ने आईफोन 8 से आईफोन में ट्रू टोन डिस्प्ले का ऑप्शन हमें शो कर दिया है और ट्रू टोन ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले उस चीज़ की क्वेरी को दूर करते हैं। गाइस, अगर आप मानते हैं कि जिस भी फ़ोन में ट्रू टोन अवेलेबल है वो डुप्लीकेट पैनल नहीं है, वो ओरिजिनल ही है, सो आप इस चीज़ में गलत हो। ये अपनी कंसेप्ट बिल्कुल भी दूर कर दो। आप देख सकते हो, यहाँ पर आईफोन 13 प्रो में भी ट्रू टोन यहाँ पर ऑप्शन ऑन है और आईफोन XR में भी ट्रू टोन ऑप्शन ऑन है। सो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ट्रू टोन है तो है, फिर डिस्प्ले डुप्लीकेट कैसे हुई? सो गाइस, आपको जो है इस कंसेप्शन को मैं दूर करता हूँ, मिस कंसेप्शन को, कि यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर जो ओरिजिनल डिस्प्ले टूटी हुई है हमारी, उसके सीरियल नंबर कॉपी करके डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर हम पेस्ट कर सकते हैं। और जब भी हम ये कॉपी कर देंगे तो हमारी डिस्प्ले के ऊपर उसका जो ट्रू टोन है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं। आजकल की जो डिस्प्लेज हैं, जैसे कि डुप्लीकेट डिस्प्लेज, उनके कलर्स बहुत ही सैचुरेटेड, बहुत सही, आई मीन टू से बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, क्योंकि हाई क्वालिटी डिस्प्लेज जो आईफोन्स में देखने को मिलती हैं वो सच में बहुत ही शानदार क्वालिटी की होती हैं, जैसे कि ड्यूरेबल भी हैं। ये फ़ोन मेरा बहुत बार नीचे गिरा है लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, और मोस्ट केसेस में मैंने इसको बिना स्क्रीन गार्ड के भी यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आईफोन XR बिना स्क्रीन गार्ड के ऊपर आप देख सकते हो कितने ही स्क्रैचेस हैं, कुछ भी ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आए, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मेरी डिस्प्ले बिल्कुल साफ है। हालांकि गार्ड के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते थे लेकिन डुप्लीकेट डिस्प्ले होने के बावजूद भी स्क्रैचेस जल्दी नहीं आते। सो अब बात करते हैं कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल डिस्प्ले में फ़र्क कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आप इतने ज़्यादा नर्ड नहीं हो टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सो आपको जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आप बड़ी आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ गाइस, अगर आप डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर हो सो आपको जो है फ्लैश का जो बटन है वो आराम से प्रेस नहीं होगा, वो आपको थोड़ा ज़्यादा फिंगर प्रेस करनी पड़ेगी आईफोन के फ्लैश के लॉक स्क्रीन वाले सेक्शन में। जो ओरिजिनल डिस्प्लेज होंगी उसमें उसी टाइम जो है आपका ये जो बटन है वो वर्क करेगा, और जितना मर्जी दबा लो आपका जो पैनल है वो अपने कलर्स को डिस्पर्स नहीं करेगा। लेकिन जो डुप्लीकेट डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी है वो ओरिजिनल के मुकाबले कम रहेगी, और डुप्लीकेट डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम रहेगी। आपको जो है फुल ब्राइटनेस में आप देख सकते हो आईफोन XR थोड़ा सा डिम परफॉर्म कर रहा है, हालांकि आईफोन 13 प्रो जो है पूरा टोटली ब्राइटर हो गया है। आई नो वेरी वेल कि आईफोन 13 प्रो की ब्राइटनेस वैसे भी ज़्यादा है आईफोन XR से, लेकिन फिर भी अब बात करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस की कि अब कैसे पकड़ पाओगे अब आप अगर आपको डुप्लीकेट डिस्प्ले मिलती है। सो सबसे पहली चीज़, डुप्लीकेट डिस्प्ले में गाइस आपको ये जो एजेस होंगे वो बिल्कुल ही राउंडेड नहीं होंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हो, मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा। आईफोन 13 प्रो की साइड्स देखना यहाँ पर वाइट वाले सेक्शन में, और आईफोन XR की साइड्स देखना, कर्व देखना, कर्व। अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले में कर्व देखोगे तो वो बिल्कुल ही स्मूथ होगा, जैसे कि यहाँ पर आईफोन 13 प्रो में जा रहा है। लेकिन अगर आप XR में कर्व देखोगे तो वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाला होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो ख़राब करेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ जो ब्लैक टिंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ डिस्प्ले ख़त्म हो रही है डिस्प्ले के ऊपर भी हमें ब्लैकिश सा रंग देखने को मिल रहा है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हो, इसका जो कर्व्ड है वो यहाँ पर आकर थोड़ा शार्प हो रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, और फिर यहाँ से कर्व जाकर फिर से रुक रहा है, और फिर सीधे नीचे सीधी लाइन जा रही है। आई होप आपको ये विजिबल होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाले कॉर्नर से ज़्यादा कुछ खास पता चल रहा है, और ऊपर वाले सेक्शन से भी आप इसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाओगे।
फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको मे बी ये पैनल बिल्कुल ही एग्जैक्टली ओरिजिनल या फिर राउंडेड लग रहा होगा, लेकिन आपको जब ओरिजिनल डिस्प्ले और डुप्लीकेट डिस्प्ले दोनों सामने होंगी तो आपको फ़र्क दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ फिर से एक बार कंफर्म करके दिखाऊं। सो जैसे कि अब आप देख सकते हो आईफोन 13 प्रो का जो राउंड है और आईफोन XR को जो राउंड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। अब आप बोलोगे कि आईफोन 13 प्रो की जो नॉच है वो छोटी है और आईफोन XR की बड़ी है, लेकिन मैं नॉच की बात नहीं कर रहा, मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ। जो कर्व है अंदर, जहाँ डिस्प्ले, जहाँ वाइट हमें कलर शुरू हो रहा है, वो फुल्ली राउंड आईफोन 13 प्रो का है और XR का राउंड नहीं है, क्योंकि ये मेरे XR का जो पैनल है वो डुप्लीकेट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक तरह से नर्ड टाइप हो या फिर अगर आपको जानना ही है कि ये डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर नहीं, सो आप इसको डिसअसेंबल करके आईफोन को ओपन करके या फिर बाहर से ओपन करवा कर ये पता करवाओ कि इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं। बाय द वे इसका एक सेकंड मेथड होता है जो हम कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सीरियल नंबर कॉपी करके उस मेथड को भी फ्लॉप कर सकते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस ये है कि आप इनकी साइड्स चेक करो, सेकंड पॉइंट कि आप इसको खुलवा कर चेक करो कि ये आपका पैनल ओरिजिनल है या नहीं, अगर आपको शक हो रहा है कि ये डुप्लीकेट है। आई होप गाइज, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि अपने जो स्क्रूज़ होते हैं ना आईफोन के, उसी से पता चल जाता है कि आईफोन खुला हुआ है या नहीं। जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरे आईफोन XR का एक स्क्रू सही है, लेकिन एक स्क्रू जो है वो स्क्रूड अप हो गया है, वो एक तरह से ख़राब हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से स्पेशली पता चल रहा है कि ये फ़ोन को पहले स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर इसका कलर उतर गया है स्क्रू का। सो इन सब चीज़ों से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि मेरा फ़ोन जो है वो पहले खुला है या फिर इसका पैनल या बैटरी चेंज हुई है या नहीं। बाय द वे आजकल जो आईफोन होते हैं लेटेस्ट फ़ोन्स वाले, जैसे कि 11 प्रो या 12, 13 वाले सीरीज़, वो जो है डुप्लीकेट डिस्प्ले और ओरिजिनल डिस्प्ले का मैसेज दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं बैटरी वाले सेक्शन में चलता हूँ, सो आप देख सकते हो अननोन पार्ट का इसने इम्पॉर्टेंट बैटरी मैसेज मुझे दे दिया है, क्योंकि मैंने बैटरी चेंज करवाई है। लेकिन जो XR की जो मैंने डिस्प्ले है उसमें मैंने ट्रू टोन कॉपी करवा रखा है, जिसके कारण ये डिस्प्ले डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। सो अगर आपको भी ये चीज़ करनी है सो आप इन सब चीज़ों से चेक कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।